Hi, this is Aditi Rana and today we will cover class 7th Geography Chapter 2 Part 2 Rocks and Minerals. So let's start. The earth crust is made up of various types of rock. अगर हम बात करें earth की crust layer की तो वो different different type की rock से मिलकर बनी हुई है. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. Rock क्या होती है? कोई भी ऐसा नेचुरल मास, कोई ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है और उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर खनिज होते हैं, ठीक है, और वो अर्थ पे थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वही कहलाती है रॉक. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो नेचर के द्वारा हमें मिलती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से मिलती है और उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वही रॉक कहलाती है. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. ये जो रॉक्स होती हैं, ये चट्टाने होती हैं, ये अलग अलग रंग की हो सकती हैं, आकार की होती हैं और उनकी जो बनावट होती है वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हो सकती है. देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स को मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओरिजिन. ये जो तीन टाइप्स की रॉक हमने अभी देखी, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, अब हम देखते हैं कि इनका जो वर्ड है, जो इनका नाम है, वो कहाँ से आया है. बात करते हैं इग्नीशियस रॉक की. तो इग्नीशियस लैटिन वर्ड है, इग्नीस मीनिंग फायर. इग्नीशियस जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इग्नीस उससे आया है जिसका मतलब होता है फायर, यानी कि उसका मतलब होता है आग, अग्नि. यानी कि जो इग्नीशियस रॉक है, कहीं ना कहीं जो उनका ओरिजिन है वो आग से रिलेटेड है, ठीक है, फायर से कहीं रिलेटेड है. जब ये रॉक्स बनती हैं, इनकी फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस वर्ड से रिलेटेड है. नेक्स्ट बात करेंगे सेडिमेंट्री. जो वर्ड है सेडिमेंट्री, ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम, उससे बना है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, यानी कि शांत होना या बैठ जाना. क्योंकि हमें पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, जब सेडिमेंट सेटल डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा समय होता है, धीरे धीरे जो पेड़ पौधे हैं, जो मृत पेड़ पौधे हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनके ऊपर लेयर्स चढ़ती जाती हैं सॉइल की, और धीरे धीरे जब वो कंप्रेस्ड हो जाती है अंडर हीट एंड प्रेशर, तब आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं. तो ये वर्ड हमें बताता है कि इसका नाम कहाँ से आया है. थर्ड बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक. ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस. जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोसिस से आया है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि रूप में परिवर्तन होना. तो जैसा कि हमें पता है कि जब हीट एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इग्नीशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं और इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है. इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इग्नीशियस रॉक. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock and they are also known as primary rocks. Igneous rock है वो कब बनती हैं? जब molten magma, magma क्या होता है? जो अर्थ के अंदर लिक्विड फॉर्म में चट्टानें होती हैं, लिक्विड फॉर्म में इसलिए आ जाती है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है. तो अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, जब वो बाहर निकलता है और वो ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तभी आपकी इग्नीशियस रॉक्स बनती हैं और इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. क्योंकि ये प्राथमिक रॉक इसलिए हैं क्योंकि इनके बाद आपके सेडिमेंट्स होंगे, उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, फिर इग्नीशियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर पे कंप्रेस करेंगे तब आपकी मेटामॉर्फिक बनेंगी. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नीशियस रॉक. मेनली दो तरह की होती है इग्नीशियस रॉक. फर्स्टली इंट्रूसिव, सेकेंड इज एक्सट्रूसिव. अब इन्हें डायग्राम से समझते हैं. देखिए यहाँ पे एक वॉल्केनो का आपको पिक दिया गया है. तो क्या होता है, अर्थ के अंदर है मॉल्टन रॉक्स, यानी कि पिघलती हुई चट्टानें अर्थ के अंदर, क्योंकि हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं. ठीक है, तो अर्थ के अंदर आपने ये देख लिया कि ये पिघली हुई चट्टानें हैं जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं. अब ये क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी क्रस्ट लेयर पे ताकि ये बाहर निकल सके. क्यों? क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है. इसका एग्जांपल समझते हैं कुकर से. कुकर में क्या होता है, नीचे हम उसे हीट कर रहे होते हैं और अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है. इसलिए क्या होता है, जब हम तेज़ गैस पे कुकर में कुछ बनाते हैं तो वो उसके ढक्कन से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है. कई बार हमने देखा उसका ढक्कन गंदा हो जाता है दाल से. क्यों? क्योंकि नीचे से हम इतना हीट और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी अंदर फूड मटेरियल है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. सेम वे हो क्या रहा है यहाँ पे मॉल्टन रॉक्स हैं, पिघलती हुई चट्टानें हैं मैग्मा के रूप में, और ये बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही हैं. लेकिन हमें पता है कि जो क्रस्ट है उसकी मोटाई ओशियंस पे तो 5 किलोमीटर है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं लैंड एरिया पे
महाद्वीपों पे, तो उसकी 35 किलोमीटर है क्रस्ट की मोटाई, तो उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नीचे से इतना ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि कहीं कहीं जहाँ पे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनो है और वो इरप्ट हो रहे हैं, यानी कि अंदर से जो मैग्मा है वो क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर आ रहा है। ठीक है, अब बाहर जो आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सट्रूसिव। ठीक, जो मैग्मा वॉल्केनो को ब्रस्ट करके बाहर निकल आया, बाहर निकल आने के बाद वो कूल डाउन हुआ और उसने सॉलिड फॉर्म ले ली, वो आपकी इग्नीशियस रॉक तो बना रहा है, लेकिन वो कौन सी इग्नीशियस रॉक बना रहा है, वो बना रहा है आपकी एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक, क्योंकि ये बाहर को निकल रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका मैग्मा है जब वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर से बचने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ छोटी छोटी दरारें थी, उन दरारों में भी थोड़ा थोड़ा चला गया, उन दरारों में जो गया वो वहीं पे जाके धीरे 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 क्या हुआ, कूल डाउन हो गया और उसने भी कुछ रॉक्स बनाई, तो वो वाली रॉक्स क्या कहलाई आपकी, इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसी को थ्योरी में भी पढ़ते हैं। सी हियर, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक्स। जब मैग्मा जो होता है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा होता है, तो वो सॉलिड रॉक्स को जिन्हें बनाता है उन्हें इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक कहा जाता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। देखिए, ये हमने एक वॉल्केनो बनाया था, अब क्या हुआ, यहाँ मैग्मा था, ठीक है, और वो इन दरारों में ही गया, दरारों में जाने के बाद वो क्या हुआ, वो यही ठंडा हो गया, यही ठंडा हो गया, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली वो ठंडा हुआ। इसलिए जो उसने रॉक बनाई वो रॉक कैसी होगी, एक बड़ी सी रॉक होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो लार्ज होंगे। इसी का एक एग्जांपल है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है, इग्नीशियस रॉक का तो एग्जांपल है, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ इग्नीशियस रॉक नहीं हो, दो ऑप्शन हो, या तो इंट्रूसिव या एक्सक्लूसिव, तो हम किसे टिक करेंगे, हम टिक करेंगे इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक का एग्जांपल है, क्योंकि ये क्या होता है, मैग्मा जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन होता है तब आपका ग्रेनाइट बनता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। कई बार जो मोल्टन लावा होता है, देखिए मैग्मा तब तक है जब तक वो अर्थ के अंदर है, जब वो बस्ट करके बाहर आ जाएगा, अर्थ के सरफेस के बाहर आएगा, तब उसे हम लावा कहेंगे। तो जब लावा ऊपर आ जाता है अर्थ के सरफेस पे, फिर वो लगातार वेदरिंग की वजह से क्या होता है, कूल डाउन होता है, ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है। तो वो रॉक्स जो इस प्रोसेस में बनती है उन्हीं को कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन, इसलिए इनके फाइन ग्रेन होती है कि यहाँ गिरा तुरंत सूख गया, सॉलिड हो गया, यहाँ गिरा तुरंत सूख गया, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके। इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं प्यूमिक एंड बेसॉल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। तो आपका कौन कौन से एग्जाम्पल है, प्यूमिक एंड बेसॉल्ट। नाउ द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट सॉल्ट। क्या आपको पता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन का जो पठार है, वो किससे बना है, वो बना है बेसॉल्ट रॉक से, जो कि एग्जांपल है इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेक्कन प्लेट्यू इज अ एग्जांपल ऑफ रॉक्स, डैश टाइप ऑफ रॉक्स, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक। नेक्स्ट इज फॉसिल। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। कई बार क्या होता है, जो मिट्टी की परतें हैं इनमें मृत पेड़ पौधे हैं, उनके अवशेष पाए जाते हैं, उन्हीं को जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टाइम के साथ धीरे धीरे जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है विंड या वाटर की हेल्प से, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती जाती है, और बीच में कई जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जो मर जाते हैं, तो वो उसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं उन लेयर्स के अंदर, और कुछ सालों बाद जब हम उन्हें निकालते हैं, उस लेयर को खोलते हैं, तो उनके अवशेष हमें मिलते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दिया है। तो इन्हीं अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म या फिर फॉसिल कहते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब चट्टानें लुढ़कती हैं, चटकती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को सेडिमेंट कहा जाता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड
एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर, हवा और पानी की वजह से ये क्या होते हैं, जो सेडिमेंट से छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं ना, कंकड़ पत्थर, ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं हवा या पानी के साथ और फिर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. फिर समय के साथ ये दब कर कठोर होते जाते हैं और rocks बना लेते हैं और इस तरह बनी हुई rocks को ही sedimentary rock कहा जाता है। For example, limestone, यानी कि यहाँ पे हमने example देख गया है चूना पत्थर, ये क्या है, किसका example है, sedimentary rock का। Next is sandstone, are made from grains of sand. तो जो बलुआ पत्थर होता है, जो सैंडस्टोन होता है, वो भी एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का और ये रेत के दानों से मिलकर बनता है। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। और जो सेडिमेंट्री रॉक है, इनकी एक खासियत क्या है, इसमें फॉसिल पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं उन प्लांट्स या एनिमल्स के जो बहुत समय पहले, ठीक है, यहाँ पर रहा करते थे, उस जमीन पर रहा करते होंगे, उनके जीवाश्म आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे। देखिए इग्नीशियस में इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि वो तो लावा से बनी है तो वहाँ पे तो सब जल जाता, ठीक है। मेटामॉर्फिक में भी नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में क्रिएट होती है, ठीक है। सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक है जहाँ पे आपको फॉसिल मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के जो वहाँ पे कुछ टाइम पहले रहा करते थे। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप हीट और प्रेशर दोगे तो जो इग्नीशियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी, अपना रूप परिवर्तित कर लेगी और वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इनटू स्लेट, जो क्ले है जब आप उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं बात करें लाइमस्टोन की, उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्या आपको पता है कि जो रेड फोर्ट है वो किससे बना है, वो रेड सैंडस्टोन से बना है, लाल बलुआ पत्थरों से बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड स्टोन इज मेड अप ऑफ डैश टाइप्स ऑफ रॉक, किस तरह की रॉक से बना है, तो हमें पता है बलुआ पत्थर हम अभी देख चुके हैं, सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का। तो जो हमारा लाल किला है वो हमारा बना है सेडिमेंट्री रॉक से। नेक्स्ट बात करते हैं ताजमहल, इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ये सफेद संगमरमर से बना है और हमें पता है कि संगमरमर किसका एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। तो अगर पूछा जाए कि ताजमहल किस टाइप की रॉक से बना है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। नेक्स्ट इज रॉक साइकिल, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है कि एक तरह की रॉक का, एक तरह की चट्टान का दूसरी तरह की चट्टान में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायग्राम है उसे समझते हैं, हुआ ये कि अर्थ के अंदर मैग्मा था, जब वो क्रस्ट को ब्रस्ट करके बाहर आया तो वो लावा बन गया और जब वो कूल डाउन हुआ तो उससे इग्नीशियस रॉक बन गई, ठीक है। तो यानी कि ये एग्जाम्पल है इग्नीशियस रॉक का। फिर क्या हुआ कि हवा है, पानी है या फिर दो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही हैं, इस वजह से सेडिमेंट्स बने, ठीक। सेडिमेंट्स से क्या हुआ, जब इनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर जमा होती गई तो धीरे धीरे समय के साथ सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। फिर हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर रखा तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी। फिर अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक को, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं है, वहाँ लगातार मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है, तो अब ये इसे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मैग्मा बना लेगी जो दोबारा अर्थ की क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर आएगा और इग्नीशियस रॉक बना लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है एक साइकिल की तरह है। और एक चीज़ देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इग्नीशियस रॉक है उन पर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, जो सेडिमेंट्री रॉक है उन पर इतना हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो हीट और प्रेशर में डायरेक्ट मैग्मा बन जाए। तो इसलिए आपको इस तरीके से दिखाया गया है कि ये एक रॉक साइकिल है, एक तरह की चट्टान का दूसरी तरह की चट्टान में कन्वर्ट होना अंडर हीट प्रेशर वेदरिंग एंड डिफरेंट कंडीशन। तो अब इसी प्रोसेस को हम थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं। सी व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू मेक इग्नीशियस रॉक। जब आपका पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है जिससे आपकी इग्नीशियस रॉक बनती है।
When the igneous and sedimentary rocks are subject to heat and pressure, they form metamorphic rock. जब igneous rock को और sedimentary rock को बहुत ज़्यादा heat और pressure में रखा जाता है, तो वो metamorphic rock में बदल जाती हैं. The metamorphic rock, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. और metamorphic जो rock होती है, उसपे अगर बहुत ज़्यादा heat और pressure apply कर दिया, तो वो पिघल जाती है और वो magma बना लेती है. फिर ये जो पिघला हुआ magma है, फिर से earth के बाहर निकलता है, ठंडा होता है और सॉलिड होके इग्नीशियस रॉक बना लेता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स की. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. खनिज क्या होते हैं? खनिज वो चीजें हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये किस तरीके के दिखते हैं, इनकी अपीयरेंस क्या है, इनकी बनावट क्या है, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सब ऑलरेडी डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल. कुछ को तो हम ईंधन की तरह यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कोल है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, यानी कि जो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल है, वो तो हम ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम इन्हें इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं. वाइल आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा आर यूज इन मेडिसिन एंड इन फर्टिलाइजर. वहीं अगर मैं बात करूँ लोहे की, एल्यूमिनियम की, सोने की और यूरेनियम की, तो इन्हें हम मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइजर को बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स. हमने इतनी रॉक्स के बारे में पढ़ा, तो इनका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में. So now we will see uses. Hard rocks are used in construction of buildings and roads. अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, कोई इमारत बनानी है या फिर हमें सड़कें बनानी है, तो हम कोई हार्ड रॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे बनाने के लिए. सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीशियस, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें शाइन होती है, चमक होती है, और वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी ज्वेलरी को बनाने के लिए. रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. इसलिए जो रॉक्स हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खनिज पाए जाते हैं. सम आर यूज एज फ्यूल, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. कुछ रॉक्स होती है, उन्हें हम ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा कोयला है, नेचुरल गैस है या फिर पेट्रोल है. एंड सॉफ्ट रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग टेलकम पाउडर एंड चॉक्स. और जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रॉक होती है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं टेलकम पाउडर, जो अपनी बॉडी पर पाउडर लगाते हैं उसे बनाने में, और जो चॉक बनाते हैं, जो चॉक टीचर जिससे ब्लैकबोर्ड पर लिखती है उसे भी बनाने के लिए हम किसी सॉफ्ट रॉक का इस्तेमाल कर लेते हैं. नेक्स्ट इज गिव रीज़न. वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम अर्थ के सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड लाइज 6000 किलोमीटर बिलो द ओशियन फ्लोर एंड वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज देर इज नो ऑक्सीजन और फेवरेबल कंडीशन. हम अर्थ के सेंटर तक इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो, अगर मैं बात करूँ ओशियन फ्लोर, ओशियन फ्लोर से वहाँ हमें रेडियस तक जाने में 6000 किलोमीटर पहले तो खुदाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए इतने एडवांस इक्विपमेंट कहीं पर भी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड. दूसरी बात, वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन होगी और ना ऐसी कंडीशन होगी कि हम इतने नीचे जा पाएं, और इतना ज़्यादा हीट और प्रेशर होगा कि हमारी मशीनें भी काम नहीं करेंगी. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. तो हमें इसका रीज़न देना है. Sedimentary rocks are formed from sediment because extreme compression and hardening of the particles of sediment which are transported and deposited by wind and water. जो sedimentary rocks होती हैं वो sediment से इसलिए बनती हैं कि जो sediment से, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, जैसे कोई चट्टान है उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, या फिर हवा पानी से आए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके अवशेष हैं, तो ये सब चीज़ें जब एक जगह पे रहती हैं, कंप्रेस हो जाती है, इन पर इतना दबाव पड़ता है, इन तब प्रेशर पड़ता है, तो ये हार्ड हो जाते हैं पार्टिकल सेडिमेंट के, और क्या होते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करते हैं. और इन्हें लाता कौन है यहाँ तक, इन्हें यहाँ तक लाता है हवा या फिर पानी. नेक्स्ट इज लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल. तो इसका भी रीजन देखते हैं. लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एज इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक. लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन जब उस पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है मार्बल में, संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. और संगमरमर किसका एग्जांपल है, मार्बल किसका एग्जांपल है, जिससे हमारा ताजमहल बना है, वो है एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक का. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर.
द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, ऐसी रॉक जो पिघले हुए मैग्मा से बनती है वो आपकी होती है इग्नीशियस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर, इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदरूनी लेयर कौन सी है अर्थ की, वो है हमारी कोर। नेक्स्ट, गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश मिनरल्स, हमारा जो सोना है, जो पेट्रोल है और कोयला है वो किसके एग्जाम्पल है, वो मिनरल्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि ना तो ये किसी के अवशेष हैं, ये फॉसिल तो है नहीं, ये चट्टाने हैं नहीं, चट्टाने तीन टाइप की थी, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो भी नहीं है, तो ये मिनरल्स हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल आर डैश, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक होती है जिसमें फॉसिल होते हैं, तो आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, अर्थ की कौन सी लेयर है जो सबसे ज़्यादा पतली है, तो वो है हमारी क्रस्ट।